चोर ग्रोह पकड़ा है, पूरा मामला क्या है बता दीजिए। सबसे पहले सभी को नमस्कार। आज जो फरीदाबाद क्राइम टीम है उसने उसको एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर जो फोर व्हीलर गाड़ियों को जो अपना निशाना बनाता था उस ग्रोह का पर्दाफाश किया है। तो मैं बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ महीनों में हमारे फरीदाबाद जो कमिश्नरेट है उसमें लगातार लग्जरी जो चार पहिए वाहन है उनकी चोरियां हो रही थी। तो ये हमारे लिए भी एक मुश्किल था, एक चुनौती था उस वाहन चोर ग्रोह है उसको उसका पर्दाफाश करना। इसमें क्राइम टीम भडकल NIT के इंचार्ज ACP साहब ACP क्राइम उसके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और उन्होंने कुशलता से अपना काम करते हुए इस ग्रोह का पर्दाफाश किया। इस ग्रोह में मैं बताना चाहूँगा कि 7 से 8 लोग हैं जिनमें हमने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें इस जो ग्रोह का जो मास्टर है वो है मुन्ना पंडित है, सन ऑफ रामनाथ पंडित, और एक गोवर्धन मथुरा का रहने वाला है। और इसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, पहले भी ये गाजियाबाद मथुरा पुणे में भी इसके खिलाफ अभियोग दर्ज हैं जिसमें ये गिरफ्तार हो चुका है। अभी 3 महीने पहले ही ये जेल से रिहा हुआ था, बेल पे आया हुआ है। दूसरा जो इनका साथी है वो इमरान है, वो गोची फरीदाबाद का रहने वाला है, अभी रह रहा है, बाकी ये रहने वाला UP का है। और ये पहले एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था लेकिन इस ग्रोह के संपर्क में आया और ये वारदातों को अंजाम देने लगा। तीसरा जो साथी है वो साहिल है, सन ऑफ मुख्तियार, ये हापुड़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और चौथा जो अपराधी है, जो आरोपी हमने इसको गिरफ्तार किया हुआ है सुनील, ये त्रिलोकपुरी दिल्ली का रहने वाला है, इसको भी हमने गिरफ्तार किया है। गाड़ियों की बात करें तो कौन कौन सी गाड़ियां हैं और ये जो गाड़ियां हैं ये कहां से उठाई गई हैं और कहां पे फेंकी गई हैं? मैं बताना चाहूंगा कि अभी हमने 4 गाड़ी हैं वो बरामद की हैं, जिसमें 2 फॉर्च्यूनर हैं, 1 क्रेटा है, 1 ब्रेजा है। बाकी इनसे जो पूछताछ की गई है उसमें 7 से 8 और अन्य गाड़ियां हैं और वारदातें इन्होंने कबूल की हैं जिनकी बरामदगी के लिए और जो इनके जो बचे हुए आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीम काम कर रही है। उम्मीद है कि जल्दी उसमें कमें सफलता प्राप्त होगी। गाड़ी का नंबर चेंज कर रहे हैं, कब से लोग ऑपरेट कर रहे हैं? मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मुन्ना पंडित है, ये गोवर्धन मथुरा का रहने वाला है, ये इस ग्रोह का मास्टरमाइंड है। और कोई अपराध करते थे? नहीं, इनका काम वाहन चोरी, जो भी लग्जरी गाड़ी है उनको निशाना बनाना और उनकी चोरी करना। गाड़ियों के नंबर चेंज कर देते थे? बिल्कुल, ये गाड़ियों के नंबर चेंज करते थे और उसके बाद ये गाड़ियों को यहाँ से निकाल के लेके जाके अन्य जगह को रिसीव डिलीवरी देते थे इनकी। जो हमने अभी इनसे पूछताछ में जो बात सामने आई है, लगभग 10 से 11 गाड़ियां इन्होंने फरीदाबाद से लग्जरी जो 4 पहिया वाहन है उनको चोरी किया है। बाकी इसका जो मास्टरमाइंड है मुन्ना पंडित, इसने गाजियाबाद मथुरा पुणे बाकी राज्यों में भी वाहन चोरी को अंजाम दिया है। ऐसा स्पॉट इनकी पूछताछ में भी ऐसा स्पॉट कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, बट ये सबसे पहले रेकी करते थे, जहां भी इनको लगता था कि इस गाड़ी को हम आसानी से टारगेट कर सकते थे उस गाड़ी को ये चुरा लेते थे। मुन्ना पंडित है ये MA पास है, इमरान की यदि बात करें तो 10वीं पास है, साहिल की बात करें तो वो 12वीं पास है, सुनील है वो 8वीं पास है। उम्र क्या लगभग सर? लगभग उम्र इनकी सबकी 25 से 30 साल के बीच में है। सर इतनी बड़ी गाड़ियां हैं जो बहुत अच्छी तरह से लॉक भी हो जाती है, क्या इनका टारगेट रहता है, कैसे इसको तोड़कर ले जा पाते? जैसा पूछताछ में पता चला और इनसे बरामद भी हुआ है, ये एक डिवाइस है, वो डिवाइस के माध्यम से ये प्रोग्रामिंग करके एक गाड़ी की डुप्लीकेट की बनाते हैं, उसके बाद वारदात को अंजाम देते हैं।